तो हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू दिस न्यू रिवीजन वीडियो, जहां पे हम रिवाइज करने वाले हैं शगुन वाला एसे, दैट इज एसे 501। ठीक है, इस एसे का नाम क्या है? वही जो एसे 500 का था, ऑडिट एविडेंस एससी फॉर एसआई, दैट इज स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। अब ये सिलेक्टेड आइटम कौन है सर? तीन सिलेक्टेड आइटम है, एक है इन्वेंट्री, एक है लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और तीसरा हमारा आइटम कौन सा था? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। क्या इन्हीं तीन आइटम्स के बारे में डिस्कशन करनी है? आंसर इज यस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर इन्वेंटरी के बारे में। इन्वेंटरी की हमको दो चीजें चेक करनी है, क्या क्या इन्वेंटरी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी कंडीशन क्या है। यानी अगर आलू टमाटर रखे हैं तो ठीक है, एक्चुअल में फ्रेश भी तो होने चाहिए, तभी तो उसकी मार्केट में वैल्यू होगी। तो एग्जिस्टेंस के साथ साथ कंडीशन चेक करना भी जरूरी है, और ये आप घर बैठे चेक नहीं कर सकते। ये कोई केबीसी का घर बैठे जीतो जैकपॉट नहीं है, इसके लिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो यू नीड टू डू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री वेन एवर इट इज मटीरियल। सर अगर ये मटीरियल नहीं है तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है? आंसर इज नो, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मटीरियल है तो फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, आपने जाना ही जाना पड़ेगा। सर वहां पर जाके क्या करें? जो भी एंटिटी के इन्वेंट्री काउंट्स के प्रोसीजर्स है उनको इवेल्युएट करो, उसके बाद ऑब्जर्व करो कि सब लोग इन्वेंटरी काउंट ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। फिर जब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे आपको डांट पड़ेगी कि भाई कब तक ऑब्जर्व करोगे, जाके थोड़ी इन्वेंटरी तुम भी इंस्पेक्ट करो, थोड़े टेस्ट काउंट तुम भी करो। सो इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी, परफॉर्म द टेस्ट काउंट, एंड जब सारी चीजें आखिरी में हो जाए मेक श्योर कि जो इन्वेंटरी के फाइनल रिकॉर्ड्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक्चुअल इन्वेंटरी रिजल्ट्स। जो एक्चुअल में इन्वेंटरी रिजल्ट्स निकल के आए, जो एक्चुअल में इन्वेंटरी रिजल्ट्स निकल के आए, दे हैव बीन एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड। सर क्या जो वो कर रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट सर, व्हाट आर द मैटर्स दैट यू नीड टू कंसीडर व्हाइल अटेंडिंग व्हाइल प्लानिंग। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हमको इन्वेंटरी काउंट पे जाना है, तो जब हम गोली को भेजते हैं तो गोली को कहां जाना है सर? गोली को गोवा जाना है। गोवा मतलब लोकेशन, सो एल फॉर लोकेशन, लोकेशन ऑफ द इन्वेंटरी एंड मटेरियलिटी। साथ साथ आपने ये देखनी है नेचर। सर नेचर किसकी? नेचर ऑफ द इन्वेंटरी, नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद हम क्या देखते थे सर? उसके बाद हम देखते थे पी, पी फॉर प्रोसीजर्स। सबसे पहले आप देखो क्या इन्वेंटरी काउंट प्रोसीजर्स है, क्या इन्वेंटरी काउंट इंस्ट्रक्शन है। साथ साथ आपने देखना है कि क्या एंटिटी फॉलो करती है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। मजा आ गया सर। और बताओ क्यू से क्यू कुछ होगा? ठीक है, आर फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एस फॉर स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस, प्लस एस के बाद हमने टी टी याद रखना सर। टी का क्या मतलब था? टाइमिंग ऑफ द इन्वेंटरी काउंट, एंड क्या हमको ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है। क्या यही पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे? यस। फिर एक बात बताओ, फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग 31 मार्च को नहीं हो रही, 15 अप्रैल को हो रही है, तो कोई बात नहीं, जो बीच की ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपको टेस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल के जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स हैं उनमें वो रिकॉर्ड हुई कि नहीं। देन अगर ऑडिटर दूसरे दिन पे आ रहा है तो क्या वो आ सकता है? यस, ही कैन अटेंड द इन्वेंटरी काउंट ऑन अ ऑल्टरनेट डेट, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन है उनको टेस्ट करके चलेगा। सर अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्प्रैक्टिकेबल का क्या मतलब है? इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब है जो इन्वेंटरी की नेचर एंड लोकेशन है वो इस तरह से है दैट इट poses अ थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ ऑडिटर, तो फिर इस केस में ही नीड्स टू परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर का मतलब है प्रायर परचेज इज सब्सिक्वेंट सेल। अगर वो ये भी नहीं कर सकता, ही नीड टू मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर एसए 705। ठीक है सर, ऑडिटर को अगर जनरल इनकन्वीनियंस हो रही है तो क्या ये एक सफिशिएंट बेसिस है टू ओमिट द ऑडिट प्रोसीजर? आंसर इज नो। ऐसे दोस्तों ने बताया था डीटीसी, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच no alternative is available or for the auditor to settle for less than a persuasive audit evidence। ये basic बातें आपने ध्यान में रख ली है। सर ये जो inventory है ये अय्यर भाई के पास पड़ी है, तो आप अय्यर भाई से कंफर्मेशन ले लो। सर हमको अय्यर भाई की इंटीग्रिटी पे शक है तो खुद जाके इंस्पेक्ट कर लो, अदर ऑडिट प्रोसीजर कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। क्या इन्वेंट्री की सारी बातें क्लियर है? जल्दी से बताओ, डन डना डन डन, 4 मिनट 5 सेकंड फटाफट बताओ, क्या इन्वेंट्री के सारे पॉइंट्स क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो भाई लोग। फिर हम लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर हम लिटिगेशंस एंड क्लेम्स से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डन सर, ऑल गुड, सब एकदम डी डी डी, डन डना डन डन, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की बात करता हूं, इसमें बस मुझे एक ही चीज चेक करनी है, वो है
कंप्लीटनेस। अब इस कंप्लीटनेस के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। हाथ पैर कैसे चलाने, सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाओ, इंक्वायरी करो। मैनेजमेंट के साइड में इनहाउस लीगल काउंसिल बैठा, उससे भी थोड़ी बात कर लो, उससे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लो। जब आपने दोनों से बात करी, एक्सटर्नल वाला बुरा मान गया, एक्सटर्नल वाले की भी कॉरेस्पॉन्डेंस देख लो, प्लस मॉम भी चेक कर लो। सर मॉम का क्या मतलब है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड लीगल एक्सपेंस अकाउंट में इन सबकी अकाउंटिंग कर रखी होगी। ये सारी चीजें जब आपने चेक करी, आपको लगा यार रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, हो सकता है कोई ना कोई लिटिगेशन है जो छूट रही है, जिसके बारे में मैनेजमेंट मेरे को नहीं बता रही, तो डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो? आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो। बट मैनेजमेंट लेने नहीं दे रही, वो बंदा जवाब नहीं दे रहा, तो सर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर लो। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो फिर घबराते क्यों हो? ऐसे 705 के हिसाब से अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। क्या ये बेसिक बात क्लियर है? हाँ। लास्ट में मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना मत भूलना। किस चीज को लेके? जितनी लिटिगेशन एंड क्लेम्स थी उसने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया, प्लस हर लिटिगेशन हर क्लेम का जो भी इंपैक्ट है उसको अकाउंट फॉर किया है, उसको डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या ये बात क्लियर है? आंसर इज यस। लास्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड वाज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन में हमने रिलायंस की रिपोर्ट भी देखी, हमको पता चल गया कि क्या क्या सेगमेंट होते हैं। इसमें एज एन ऑडिटर आपने बस एक चीज पे देखना है कि सारी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सही होनी चाहिए, क्योंकि उन अमाउंट्स को आप ऑडिट तो ऐसे 500 में करते ही करते हो। मेन चीज जो 501 में आपने देखनी है वो यही है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो पहले देखो मैनेजमेंट के क्या तौर तरीके हैं। सर तौर तरीके मतलब अंडरस्टैंड द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। सर वो मेथड्स कब कामयाब होंगे? When they will give the disclosure, when they will result in a disclosure which is acceptable as per the FRF. अब इसको अगर आपको लगता है इन methods को test भी कर सकते हो। सर कैसे test करें? Use analytical procedure. क्या ये point clear है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, जब हम management के methods की understanding ले रहे हैं तो क्या क्या चीजें check करेंगे? सबसे पहले देखो sales, ट्रांसफर्स, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, जो भी इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन से उनको एलिमिनेट करो। रेवेन्यू के बाद आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप इनके मार्जिन देखो, आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो और उसको बजट से कंपेयर करो। जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसको हम एलोकेट करेंगे एसेट्स और एंटिटी की लगेगी कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज कंपेयर विद द प्रायर पीरियड फॉर कंसिस्टेंसी। अगर इनकंसिस्टेंसी है तो क्या करें? जल्दी से बताओ, अगर इनकंसिस्टेंसी है तो क्या करें? डिस्क्लोजर दो और आगे बढ़ो, डिस्क्लोजर दो और आगे बढ़ो। यही पॉइंट यहां लिख रखा है, इन कंसिस्टेंसी चेक कर लेना, कंसिस्टेंसी चेक कर लेना विद द प्रायर पीरियड। एंड अगर कल को इनकंसिस्टेंसी है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, आपने यहां पे सिर्फ डिस्क्लोजर देके आगे बढ़ना है। 7 मिनट 22 सेकंड में हमारी ये रिवीजन वीडियो भी एकदम बढ़िया तरीके से खत्म होती है। यू ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, एंड या स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। Have an awesome day ahead. Bye.